किसान भाइयों, आप सभी का ट्रैक्टर किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं श्री ऋषभ चौहान जी, जो कि खेती किसान यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनके फार्म पे हरिद्वार में, और चलिए उनसे जानते हैं। उन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं आप गन्ने के साथ लहसुन की इंटरक्रॉपिंग कर रखी है, तो चलिए जानते हैं उनसे इसका राज, ऐसा उन्होंने क्यों कर रखा है, उसके क्या लाभ है। तो सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर आप अपने बारे में बताइए किसान भाइयों को। तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार जी। मैं ऋषभ चौहान खेती किसान यूट्यूब चैनल से हूँ जी। मैं खेती किसान एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जी, जो किसान भाइयों के लिए उसे संचालित करता हूँ। उसमें अच्छी अच्छी जानकारी किसानों संबंधी बनाता हूँ जी। और मैं, मेरे गाँव का नाम औरंगाबाद है और मैं जिला हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ जी। पिछले 4 सालों से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम जैविक किसानों की वीडियो बनाते हैं, हमें एक ऐसे ऐसे किसान मिलते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं आज जैविक खेती में जी। तो उन्हें ही देखते हुए मैंने भी जैविक खेती शुरू की जी। और इसी के साथ मैंने कृषि से पढ़ाई भी की है, MSc में एग्रीकल्चर कर रहा हूँ जी। तो ये मेरा एक छोटा सा खेत है, जो कि आधे एकड़ का खेत है मेरा ये जी। और इसमें मैं तरह तरह की प्रैक्टिकल अपनी रिसर्च जैविक तरीके से करता रहता हूँ। अच्छा। तो आज इसी क्रम में मैंने ये गन्ने के साथ लहसुन की खेती में इंटरक्रॉपिंग में कर रहा हूँ जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मेरा आप गन्ना देख सकते हैं जी, जो गन्ना लगा हुआ है इसमें, ये मैंने 17 अक्टूबर को मैंने इसकी बुआई की थी जी। अक्टूबर में बुआई करने का रीजन ये, आज क्या तारीख हो गई ये भी बताइए किसान भाई। आज की जो तारीख जी, और 22 मार्च आज हो चुकी है, 17 अक्टूबर को मैंने गन्ना लगाया था जी। आपको थोड़ा गन्ना भी दिखाता हूँ, जानकारी जी। तो देखिए, ये आधा एकड़ का खेत है, ये इधर मेरा जो जैविक तरीके से तैयार किया गया गन्ना है जी, इसमें मैंने कुछ में चना लगाया था, कुछ में अलसी लगाई थी, लेकिन वो अच्छा उत्पादन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मुझे खेत में उनकी जुताई करनी पड़ी जी। तो ये मतलब आप सारा एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर, एक्सपेरिमेंट है ये, बस किसान भाइयों का प्यार है बस, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जी। अब इसमें जो मेरी लहसुन की खेती देखिए आप, लहसुन जो मैंने इसमें लगाई, तो ये देखिए लाइन से लाइन की दूरी गन्ने की 42 इंच है जी। और इसमें जो जगह खाली पड़ी थी, मेरा मानना ये था ये जगह वेस्ट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमें मेहनत तो हम गन्ने में कर रहे हैं जी, लेकिन साथ में हमारा गन्ना फ्री कैसे हो बिल्कुल। तो ये फ्री गन्ने को फ्री करने के लिए मैंने इसमें लहसुन की खेती शुरू कर दी बिल्कुल। तो ये मेरा लगभग, ये मेरा 15 किलो बीज लगा इसमें, आधे एकड़ से थोड़ा कम है लहसुन, आधा एकड़ तो गन्ना है, तो 15 किलो बीज लगाने के बाद 15 से 20 किलो ये मैं देख सकते हैं आप, लाइन से लाइन की दूरी 6 इंच जी, बीज से बीज की दूरी 4 इंच जी, ये मैंने 4 इंच पर इस तरीके से मैंने ये देखे आप, ये पूरी लाइन देखिए आप कितनी सुंदर खड़ी है जी, इस तरीके से मैंने ये लहसुन की खेती इसमें लगा दी। और लहसुन की खेती लगाने का फायदा मुझे इसमें इतना हुआ कि मैंने सिर्फ गन्ने की निराई गुड़ाई कराई, उसमें मेरी लहसुन की निराई गुड़ाई होगी बिल्कुल। खाद मैंने इसमें एक डाला, जैविक तरीके से तैयार किया गया था, जो जी जीवामृत वगैरह में सिंचाई में डाले, और लहसुन की खेती होने के वजह से मेरे इस गन्ने में कोई रोग नहीं आया जी, ना तो मैंने कोई कीटनाशक डाली जी, जैविक तरीके वाली जो जैविक तरीके से हम तैयार करते हैं, ना तो मैंने वो डाली जी, ना ही मैंने रासायनिक वाली डाली जी। ये इसको लगाने का मेन रीजन ये था लहसुन को, लहसुन एक ऐसी फसल है, या हल्दी, लहसुन, मिर्च, इस तरह की फसल है जी, आप जिस फसल में इसे लगा दोगे आप उसमें कोई भी कीट रोग आप पर नहीं आएगा जी बिल्कुल। तो इसे लगाने से ना तो मेरे देखो गन्ने में रोग आया, ना कीट आया, और ना ही इस जमीन के अंदर जितना कीड़ा था वो सारा खत्म हो गया जी। अब आगे चलिए, मैं लोगों के गन्ने में बहुत ज्यादा रोग लग जाता है जी, लेकिन जी मेरा गन्ना आप पूरा देखिए, और मेरे गन्ने में कहीं भी रोग नहीं है, गन्ना बहुत जबरदस्त खड़ा हुआ है इस बार ये जी जी बिल्कुल। और मुझे इस बार पूरा अनुभव है कि मेरी जो लहसुन है 3 से 4 क्विंटल जी, कम से कम 3 से 4 क्विंटल मुझे इस खेत से लहसुन प्राप्त हो जाएगी जी, आधा एकड़ से भी कम जमीन है। और इसके अगर मैं कीमत की बात करूँ, लहसुन की कीमत की बात, खर्चा तो मेरा मामूली सा हुआ भाई, चलो निराई गुड़ाई का तो होना था, लहसुन की मिनिमम कीमत भी 8,000 रुपए क्विंटल है, 3 क्विंटल भी आप देख लो, 8×16 = 24,000 रुपए सिर्फ लहसुन, मेरी लहसुन की खेती है सिर्फ 3 क्विंटल, लहसुन तो ज्यादा ही होगी जी। और गन्ना मेरा इसमें पूरे साल में, दोनों साल में गन्ना मेरा 24,000 का, मतलब इसमें लागत होने का नहीं जी जी, जितना मेरा इसमें लहसुन हो गई, गन्ना सारा मेरा फ्री हो चुका है जी। अब जो गन्ने का मुझे पैसा प्राप्त होगा, जो मैं जैविक शक्कर बनाऊंगा, किसानों को दूंगा, तो वो सारे मेरा फ्री हो गया बिल्कुल, उसमें मेरी लागत कम हो गई। किसान भाइयों को तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो मेरे किसान भाई, आप अगर किसी भी प्रकार की खेती करें तो साहिब फसल उसके साथ में जरूर लें जी जी, उसके साथ में इंटरक्रॉपिंग जरूर लें बिल्कुल, ताकि आपकी दूसरी फसल फ्री हो जाए बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो किसान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जो जैविक गन्ना लगा रहे हैं, और ये किसानों के लिए और लोगों के लिए आप जैविक शक्कर और गुड़ बनाते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।